हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि हरियाणा में ब्लैक फंगस के 226 मामले हैं। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले इस बीमारी को हमने नोटिफाई किया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने केंद्र से दवाइयों की डिमांड की है, साथ ही विदेशों से भी इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सेलो सालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये कई जगह पर असर करता है, साइनस पे करता है, दांतों पे करता है, आँखों पे करता है, न्यूरो पे करता है। तो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। और पूरी तरह से सारा इन डॉक्टर्स की जो जो इस टीम के डॉक्टर हैं उन सारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सीनियर डॉक्टर से वार्ता भी करा रहे हैं ताकि उनको पूरी तरह से इसके बारे में, इसका क्या प्रोटोकॉल होगा उसके बारे में अवगत कराया जाए। नहीं, अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शंस की केंद्र सरकार से डिमांड की है। सर, नोटिफाई कर रहे हैं हरियाणा सबसे पहले ब्लैक फंगस को, उसको लेकर क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? और जो हमने सबसे पहले इस बीमारी को नोटिफाई कर दिया था, और जो नोटिफाइड डिजीज होती है कोई भी प्रैक्टिशनर स्टेट में अगर उसके पास इसका केस आता है तो सीएमओ को बताना आवश्यक होता है ताकि सरकार के संज्ञान में रहे कि कितने केसेज हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट हो। कि हमने हिंदुस्तान से जितनी अवेलेबल हो सकती थी हमने वो प्रोक्योर की हैं, और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं इसलिए हमने इंपोर्ट करने का भी फैसला किया। कोरोना में 16,000 केसेस थे पर डे के, जो अब घटकर 6,000 रह गए। सारी मेडिसिंस का हमने प्रबंध किया है, ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया है, अतिरिक्त बेड्स का हमने प्रबंध किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।